भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स, तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में महोदय गैर सरकारी संकल्प है महोदय, और माननीय सदस्यों का जो संकल्प है महोदय, सुन लीजिए, राज्य के जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं महोदय, और माननीय सदस्यों के क्षेत्र के जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं महोदय, उसी को लेकर सदन में गैर सरकारी संकल्प देते हैं महोदय, और जिन बातों को माननीय सदस्य उठा रहे हैं महोदय, ये जब उसकी चर्चा होगी महोदय, तब इसको इश्यू बनावे और उस समय प्रतिरोध दर्ज करे महोदय, तो ज्यादा अच्छा होगा महोदय। पहली तस्वीर में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे की आवाजें आ रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में नीतीश कुमार के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार विपक्ष के विधायकों को समझाते नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में महोदय गैर सरकारी संकल्प है महोदय, और माननीय सदस्यों का जो संकल्प है महोदय, सुन लीजिए, राज्य के जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं महोदय, और माननीय सदस्यों के क्षेत्र के जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं महोदय, उसी को लेकर सदन में गैर सरकारी संकल्प देते हैं महोदय, और जिन बातों को माननीय सदस्य उठा रहे हैं महोदय, ये जब उसकी चर्चा होगी महोदय, तब इसको इश्यू बनावे और उस समय प्रतिरोध दर्ज करे महोदय, तो ज्यादा अच्छा होगा महोदय। आप सोच रहे होंगे कि बिहार विधानसभा में हंगामा क्यों बरपा, क्यों विपक्ष के विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की, क्यों विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़ी। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। इस तस्वीर में आपको बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक 2021 लिखा नजर आ रहा है। 23 मार्च को सदन में बिहार स्पेशल आर्म्ड बिल 2021 पेश होने वाला है, लेकिन इस बिल में रखे गए प्रावधान पर विपक्ष को एतराज है। विपक्ष का आरोप है कि इस विधेयक के जरिए स्पेशल आर्म्ड पुलिस को अब बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। स्पेशल आर्म्ड पुलिस के पास बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति होगी। किसी स्पेशल आर्म्ड पुलिस अधिकारी पर लगे अपराध के किसी आरोप का कोई न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि ये काला कानून हम पास नहीं होने देंगे। विपक्ष के विधायकों ने सीएम को घेरते हुए कहा कि नीतीश ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। 23 मार्च को इस बिल को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही आने वाली 23 मार्च को इस बिल के सदन में पेश होने से बिहार के योगी मॉडल पर बढ़ने की संभावना प्रबल हो रही है। साथ ही अगर ये बिल बिहार विधानसभा में पास हो जाता है तो इससे आम आदमी के अधिकारों में कटौती होगी। पटना से उत्कर्ष सिंह, बिहार तक।